सफ़ीर हयात ओसो क्रिकेट क्लब के आज हमारे साथ हैं और ये एक ऐसा नाम है जिन्होंने कई बार जो है वो नॉर्वे की तरफ से वो खेल चुके हैं और काफ़ी मैचेस जो हैं वो पार्टिसिपेट किए हैं जीतने के लिए भी नॉर्वे की तरफ से खेलते हुए। सफ़ीर भाई, सबसे पहले तो मुबारकबाद के अभी तक जो तीन जो मैचेस खेले हैं ओसो क्रिकेट क्लब सबसे नंबर वन पे है और अभी तक कोई शक जो 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 हारने की जो उम्मीद है अभी तक कोई उन्हें देखने को नहीं मिली है। वैसे सफ़ीर हयात, आपका भी ऐसा हमें नज़र नहीं आया, एक 20-25 रन है अभी तक, वो चीज़ देखने को हमें नहीं मिली जो कि सफ़ीर हयात जिसके लिए मशहूर हैं, कुछ हमें इसके बारे में बताना चाहें आप? माशाल्लाह, पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि टीम काफ़ी अच्छी स्कोर कर रही है, साल स्टार्ट काफ़ी अच्छा मिला है, लगातार तीन मैच हम जीत गए हैं, हमारे ओपनर्स ने काफ़ी अच्छा स्टार्ट दिया है और इससे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह जिस तरह के हमारे इरादे हैं, हमारी उम्मीद है, हमारे इरादे हैं कि हम ये लीग जीतें और यही हमारा टारगेट है इस साल का, लीग का, NM का भी और 2020 में हमारी अच्छी पोजीशन है, यही हमारा टारगेट है। तो हमारी तीनों जीतने की तीनों टूर्नामेंट्स फॉर्मेट जो हैं वो जीतने के इरादे हैं, ये हमारी पूरी टीम का टारगेट है। ये पहले भी आपने सुना होगा हमारे लीडर साहब से, हो गए कप्तान से, जहाँ तक कि मेरी बात, हाँ बिल्कुल ठीक है, मेरा इतना स्कोर नहीं रह सका अभी पहले तीन मैचों में, मगर इतना मौका भी मैं समझता हूँ इतना मिला नहीं, क्योंकि हमारे जैसा कि स्टार्ट से पहले मैच में स्कोर ही काफ़ी कम था, नॉट आउट आए उसमें 20-25 पे, दूसरे मैच में भी हाँ जल्दी आउट हो गए 26 पे, तीसरे मैच में भी ओवर 4 ही मिले थे जब मैं आया तो हिट नहीं लग सकी। तो इंशाल्लाह अगर आज मौका मिला तो प्रूव करने की कोशिश करेंगे, आज भी अच्छा स्कोर करने की कोशिश करेंगे। विंटर में हम सारी टीम ट्रेनिंग करते रहे साथ में भी, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस साल मेरा सीज़न भी अच्छा ही गुजरेगा। तो आज जैसे जो है NM का पहला मैच है और बहुत बड़ा, यानी कि NM को देखा जा रहा है यहाँ पर, और बैरूम क्रिकेट क्लब के खिलाफ आप खेलेंगे, तो इसको आप कैसा देखते हैं आप? बैरूम क्रिकेट क्लब एक नया क्लब है जो है एलीते सिरे में, इस साल एलीते सिरे में पहले भी आते जाते रहे हैं और ये जारी बात है कुछ करके आए नीचे से, इनकी कुछ मेहनत इन्होंने की है। बैरूम क्रिकेट हम इनको बिल्कुल लाइट नहीं ले रहे और ना हम इनको अपने आप पे हैवी ले रहे हैं, इंशाल्लाह पूरे कॉन्फिडेंस से खेलेंगे और इन्हें एक अच्छा मैच देंगे हम आज आपको देखने के लिए। चलें, शुक्रिया एंड गुड लक सफ़ीर हयात भाई आपके लिए। थैंक यू।